दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, आज नोटिफिकेशन आया है। अपर एज लिमिट इनके लिए 45 साल निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां हैं यहाँ पे, और टीचर्स के साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें, और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देखते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ आया है, उसको बिल्कुल विस्तार से। ये है दोस्तों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। पदों का विवरण यहाँ आप देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की दो वैकेंसियां हैं, दोनों अनुसूचित जाति के लिए है। 22,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इनके लिए हिंदी या संस्कृत में प्रशिक्षित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट और उसी के साथ साथ टीजीटी का टेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। इसी तरह से इंग्लिश की 3 वैकेंसियां हैं, इनके लिए भी ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ टेट आपका क्लियर हो, और गणित की 5 वैकेंसियां हैं, विज्ञान की 3 है, सामाजिक विज्ञान की 4 वैकेंसियां यहां आई हुई है। तो ये तो आ गई है टीजीटी टीचर्स की वैकेंसियों की संख्या। 22,000 सैलरी मिलेगी। अंशकालीन शिक्षक कंप्यूटर की शिक्षक की भी यहाँ है वैकेंसी है, उनके लिए प्रशिक्षित स्नातक एवं PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, अथवा स्नातक सहित DOE ACC या समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा आपने कर रखा हो। 3 वैकेंसियां हैं, 9,800 सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की 4 वैकेंसियां हैं, 9,800 सैलरी मिलेगी। BPED या CPED या DPED आपने कर रखी हो। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट एवं संगीत की 2 वैकेंसी, 9,800 सैलरी। लेखाकार की 2 वैकेंसी, 11,000 सैलरी। मुख्य रसोईया कक्षा 8 उत्तीर्ण आपने कर रखी हो, 6,900 सैलरी। सहायक रसोईया 5175 रुपये सैलरी। अनुचर 5,750 रुपए सैलरी। चौकीदार की भी 1 वैकेंसी है, 5,750 सैलरी। तो ये पदों का विवरण है दोस्तों। रिक्रूटमेंट आ रही है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, यूपी में नई टीचर्स रिक्रूटमेंट आ गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के कार्यालय में दिनांक 7 अप्रैल 2023 सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है, सिर्फ महिलाओं के लिए रिक्रूटमेंट है। और एज लिमिट की जहाँ तक बात, ये देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल को कम से कम 25 वर्ष, अधिकतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 25 से 45 वर्ष आयु सीमा यहाँ निर्धारित की गई है। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है badayu.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये है डिस्ट्रिक्ट बदायूं की ऑफिशियल वेबसाइट badaun.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस है, नोटिस में रिक्रूटमेंट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए KGVP रिक्ति 2023, यहाँ क्लिक करके आप डिटेल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म इनका डाउनलोड कर सकते हैं। वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे। और कब तक भेजना होगा एक बार फिर से मैं लास्ट डेट आपको बता देता हूँ, 7 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे तक। कहाँ पे? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचाएं थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।